खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे रायपुर का, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रहेगी? जी, आज तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि जैसा कि नवरात्रि की शुरुआत आज हो रही है और जिस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता के दर्शनों को लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं, माँ दुर्गा मंदिरों में, काली मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आज राम वन गमन पथ के तहत जो दुनिया का सबसे एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता मंदिर, उसका जीर्णोद्धार राज्य सरकार द्वारा किया गया। राम वन गमन पथ का जो 2260 स्क्वायर किलोमीटर की जो गमन पथ बनाया गया है उसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपराह्न 3 बजे किया जाएगा और इस दौरान पूरी छत्तीसगढ़ सरकार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी। इसमें देश विदेश के जो खारून बैंड है उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे शंकर महादेवन के भी गीतों की प्रस्तुति होगी। इस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो अन्य कार्यक्रमों में हम बात करेंगे तो एक पुलिस की बैठक होने वाली है, जो 6 राज्यों की एक बैठक होगी अपराधों को रोकने के लिए, और पुलिस विभाग यह आयोजन कर रहा है और इसको लेकर 6 राज्यों की पुलिस यहां पर जुटेगी और एक मंथन करेगी किस तरीके से अपराधों की रोकथाम की जाए। जी तरुण जी, अमित, ऐसे में राम वन गमन पथ का आज शुभारंभ है, सीएम भूपेश बघेल इसमें शिरकत करेंगे, और कौन से तमाम वो बड़े नेता जो इसमें शामिल होंगे? खबरों के मुताबिक इसमें रामलीला कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज नवरात्र का दिन है और रामलीला एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है, और चूंकि राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है चनखुरी में, जो कि रायपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां पर जो उनकी नानी थी माता कौशल्या का मंदिर यहां पर पूरे भव्य रूप में बनाया गया है। एक तरह से जो सरोवर के बीचों बीच मंदिर है वो एक तरह से माता कौशल्या के हाथों में एक बांध टाइप का पुल बनाया गया है जिस पर से श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचेंगे और माता कौशल्या के दर्शन करेंगे। तो एक भव्य रूप में जो मंदिर तैयार किया गया है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका उद्घाटन करेंगे। यहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय निकाय मंत्री डहरिया जी, इस तरीके से पूरी छत्तीसगढ़ के जितने भी मंत्री है 12 मंत्री वो लगभग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और एक भव्य आयोजन है। चूंकि मुख्यमंत्री अभी लखीमपुर खीरी से लौटे नहीं और आज उनका कार्यक्रम है, वो लगभग 11 बजे तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। जी तरुण जी, अमित, इसके साथ अगर हम बात करें डीआरपी की जो नियुक्तियां हैं वो लगातार विवादों में, और ऐसे में मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से डीपीआर की नियुक्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि अब तक ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस पर पदस्थ होते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की जगह इस बार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौमिल रंजन चौबे को इस पर संचालक पद पर काबिज किया गया है राज्य शासन की तरफ से। और अब जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने एक तरह से लामबंदी शुरू कर दी है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया है, काली पट्टी कर वह आज से काम करेंगे, और जब तक उनकी जगह कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या उस पर जो नियमानुसार जिस पदाधिकारी को पात्रता है उन्हें ही पदस्थ किया जाए, ऐसी मांग कर्मचारी संगठन उठा रहा है। जी तरण जी, अमित, अगर हम उनकी मांगों की बात करें तो कौन कौन सी उनकी तमाम मांगे हैं? मुख्य रूप से यही मांगे हैं कि कई जिस तरीके से कई वरिष्ठ अधिकारियों को सुपरसीड करते हुए सौमिल रंजन चौबे को संचालक बनाया गया, जबकि उनसे भी वरिष्ठ यहां पर अन्य अधिकारी हैं जो कि जनसंपर्क विभाग में ही कार्यरत हैं, तो ऐसे में कई अधिकारी और कर्मचारी एक साथ लामबंद हो गए हैं और सौमिल रंजन चौबे की पदस्थापना को लेकर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई अधिकारी लाइन में है और उसके बावजूद बिल्कुल नए अधिकारी को यहां पर जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नहीं है, तो ऐसे में यदि कनिष्ठ अधिकारी को जिस तरीके से पदस्थापित किया गया तो यह गलत है और इसको लेकर यह पूरी तरह से लामबंदी की गई है। और अब सरकार से उनकी स्पष्ट रूप से मांग है कि तत्काल प्रभाव से इस पदस्थापना को निरस्त किया जाए और यहां पर नियमानुसार नियुक्ति की जाए। जी तरुण ठीक, अमित, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा हम रुक कर लेते हैं कुलभूषण का, कुलभूषण भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, कौन सी वो तमाम बड़ी खबर है जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल,
मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम नवरात्रि के पावन पर्व शुभ अवसर पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे और जो प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज खंडवा पहुंचेंगे, यहां पर प्रत्याशी के नामांकन में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए सबसे पहले खंडवा लोकसभा की, तो खंडवा लोकसभा सीट में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। यहाँ पे जिस प्रकार से हाईकोर्ट में ओबीसी को 14% से लेकर 27% आरक्षण देने की बात कही जा रही है और हाईकोर्ट में यह पूरा मामला लंबित है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट से ओबीसी कार्ड खेला है और ज्ञानेश्वर पाटिल को जो है प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पूर्व दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और कहा जा रहा था कि हर्ष सिंह चौहान को ये टिकट दी जा सकती है। इसके साथ ही अर्चना चिटनिस का नाम भी चल रहा था जो कि पूर्व मंत्री है, तो दोनों ही दावेदारों के टिकट कटे हैं और यहाँ पे ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट में खेला है। इसके साथ ही अगर पृथ्वीपुर की बात की जाए तो यहाँ पे शिशुपाल यादव 2018 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पे शिशुपाल यादव रहे हैं, पहले स्थान में दिवंगत नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर थे और उन्होंने जो है शिशुपाल यादव को चुनाव हराया था, तो यहाँ पे शिशुपाल यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही अगर जोबट की बात की जाए तो जोबट से सुलोचना रावत जो कि पूर्व मंत्री कांग्रेस में रही है, कांग्रेस की विधायक थी, अभी हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है और इसके बाद जो है बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो यहाँ पे सुलोचना रावत जोवर से प्रत्याशी होंगी। इसके साथ ही रेगांव की बात की जाए तो प्रतिभा बागरी को रेगांव से बीजेपी ने मैदान में उतारा है, रेगांव जो है बीजेपी की सीट है। ऐसी स्थिति में प्रतिभा बागरी का नाम जोरों शोरों से चल रहा था और बीजेपी ने जब आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे बीजेपी की सूची जारी की तो प्रतिभा बागरी को जो है प्रत्याशी बनाया है, तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज के शुभ अवसर पर दोनों ही राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे चारों सीटों में और इसके साथ ही तमाम पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। कल 8 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके पहले आज जो है बीजेपी ने शुभ मुहूर्त देख के अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अब बिल्कुल कुलभूषण, यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में कुलभूषण बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और ऐसे में सभी की निगाहें खंडवा सीट पर टिकी हुई थी और ऐसे में पूरे 25 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर ओबीसी कार्ड खेला है और ज्ञानेश्वर को मैदान में उतारा है। और इसके साथ अगर हम बात करें कांग्रेस ने यहां पर राजनारायण सिंह को मैदान में उतारा, तो यहां पर कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्या ओबीसी कार्ड बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खेला है और यहाँ पे ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना प्रत्याशी बनाया है, इसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का ये विधान लोकसभा क्षेत्र था और 2 बार वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और ये देखा गया कि दिग्विजय सिंह के खास को जो है लोकसभा की टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से और वहीं बीजेपी ने अपना ओबीसी कार्ड खेला है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तीखी बहस देखी जा सकती है और मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी वर्ग बिलोंग करता है और हाईकोर्ट में भी ये मामला फिलहाल में चल रहा है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है।
27% आरक्षण देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अभी तक मध्य प्रदेश में जो है 14% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाता है। तो बीजेपी जो है ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है और इसी मुद्दे को लेकर वो मैदान में भी उतरेगी। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी कार्ड भी खेला है, ज्ञानेश्वर पाटिल को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो खंडवा लोकसभा चुनाव में जो दिग्गज नेता थे, जो तमाम दावेदार थे, अब उनके नाम कट चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल भी बीजेपी से नए कैंडिडेट हैं, जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष वो रह चुके हैं, काफी सीनियर लीडर हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि खंडवा लोकसभा चुनाव का चुनाव जो है उपचुनाव वो बेहद ही रोचक होने वाला है। बिल्कुल कुलभूषण, यहाँ पर 25 साल बाद बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर बीजेपी को इस कार्ड का कितना ज्यादा फायदा होता है। कुलभूषण और अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।